अफ्रीकी देश केन्या महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम करने जा रहा है। केन्या की संसद ने जज मार्था कूम, जो कि 61 वर्ष की हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है। वो सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली केन्या की पहली महिला है। 61 वर्षीय कूम एक शांत लेकिन कट्टर महिला अधिकार समर्थक है, जो अगले साल के आम चुनावों से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी और संभावित रूप से किसी भी चुनावी विवाद को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। न्यायिक समिति ने टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था का चयन किया। समिति ने चयन के लिए उस मुकदमे को प्राथमिकता दी जिसमें मार्था ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा का प्रतिनिधित्व किया था। ज्ञात हो, केन्या में 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद हो गया था। विपक्ष ने उहुरू केन्याटा के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब मार्था ने केन्याटा का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने केन्याटा का चुनाव रद्द कर दिया था। उसके बाद केन्या में दोबारा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में केन्याटा जीत गए थे। इस जीत का फायदा मार्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर मिला है।